नहीं बन रहा है क्या आप लोगों से? देखिए इसका दो क्लास हो गया है कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का समझिएगा कि कंटिन्यूअस में हम लोग अफर्मेटिव और अफर्मेटिव निगेटिव कर लिए थे, तो आज ये इंट्रोगेटिव दिए, इंट्रोगेटिव के बाद ये खत्म हो जाएगा, हम लोग परफेक्ट में मूव कर जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट का ध्यान समझिएगा, इसको एक बार समझ लिए पहले। ठीक है, आप लोग जब प्रेजेंट में बनाते थे स्ट्रक्चर क्या बनाते थे बताइए, किन्हीं को याद हो तो? प्रेजेंट में अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या था बताइए? देखिए इसका पहले सब्जेक्ट था इज एम आर का, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट था। इसी को अगर हम पैसिव बनाते थे तो ऑब्जेक्ट को यहां लाते थे, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाते थे प्लस बीइंग लगाते थे, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते थे बाय के बाद। ठीक है, यहाँ बाय के बाद और ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो अब यहां समझिएगा, अरे हाँ सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट ही। ठीक है, देखिए अब यही चीज अगर हमको इंट्रोगेटिव में करना है तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में इज एम आर बाहर आता है, आता है कि नहीं? तो इसमें अगर इज एम आर बाहर आएगा तो इसमें भी तो इज एम आर बाहर आ जाएगा, आएगा। तो सीधा सीधे इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा कि अगर देखिए सीधा सीधे इसका इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर होता है इज एम आर के साथ, यहां पर सब्जेक्ट रहेगा पहले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, यही रहेगा। अगर हमको पैसिव में चेंज करना है तो इज एम आर तो रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, उसके बाद बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, सेम टू सेम इस पे सेट करिए आप, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट नंबर में है इज ही बीटिंग माई मदर, तो यहां से अगर आप बनाइएगा तो आपको इज एम आर ही पहले बाहर लाना है, लेकिन इज एम आर किसके थ्रू लाना है, क्या ये ही के ही मतलब सेंस में लाना है क्या? नहीं, माई मदर अब यहां पर आपका सब्जेक्ट बनेगा, जब माई मदर सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अनुसार ही जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर है तो माई मदर के लिए क्या आना चाहिए? इज, इज माई मदर, उसके बाद देखिए जैसे हो गए ऑब्जेक्ट ला लिया, उसके बाद क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब कौन सा है? बीटिंग, तो बीटिंग का भीतरी क्या होता है? बीटन, ठीक है, बीटन बाय, अब ही यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। इज ही अब्यूजिंग मी, अब आप जानते हैं कि मी यहां पर आएगा आई में चेंज होगा, जब आई में चेंज होगा तो क्या लगना चाहिए? एम, ठीक है, एम आई, एम आई हो गया, बींग लगेगा, एम आई बींग। अब्यूजिंग का भी थ्री क्या होता है? अब्यूज्ड, ए बी यू एस ई डी, अब्यूज्ड बाय, ही यहां पर आएगा, हिम बनेगा। आर यू पब्लिशिंग दिस बुक, अब ये दिस बुक यहां आएगा तो आप जानते हैं दिस बुक मेरा सिंगुलर है, इसके साथ में क्या लगना चाहिए? इज, इज दिस बुक के साथ में बींग लगेगा, बींग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पब्लिशिंग का वी थ्री क्या होता है? पब्लिश्ड, पी यू बी एल आई एस एच ई डी, पब्लिश्ड बाय, यू का ऑब्जेक्टिव रूप यू ही होता है। आर द पुलिस कैचिंग द थीप, अब जानते हैं द थीप यहां पर क्या है? सिंगुलर है, तो यहां लाइएगा तो इज लगेगा इसके साथ में, इज द थीप, इज द थीप बींग, कैच का भीतरी क्या होता है? किन्हीं को याद नहीं है? काउट, काउट होता है बाय द पुलिस। इज ही वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, इज ही वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, तो न्यू क्लोथ्स यहां आएगा, जब न्यू क्लोथ्स यहां पर आएगा तो आप जानते हैं क्लोथ्स लगा हुआ है, ये क्या है? प्लुरल है, प्लुरल के लिए क्या लगना चाहिए? आर न्यू क्लोथ्स बीइंग, वेयरिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यू ओ आर एन,
वर्न बाय ही का यहां पर होगा हिम। इज ही नॉट अब्यूजिंग मी, मी यहां पर आएगा तो मी के साथ साथ आप जानते हैं किसका स्पेशल कैरेक्टर होता है एम, एम के बाद आई होगा, आई के बाद बीइंग लगेगा। अब ध्यान में रखिएगा ये निगेटिव सेंटेंस है, जब निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद निगेटिव आना चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि इसमें निगेटिव सब्जेक्ट के यहां पर आता है बाद में, और यहां पर निगेटिव आएगा तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद में, ठीक। अगर निगेटिव सेंस लाना है तो यहां पर हो जाएगा एम, यहां आएगा तो आई में बदलेगा, मी आएगा तो आई के लिए एम होता है, इसके साथ साथ तुरंत सब्जेक्ट के बाद निगेटिव फॉर्म, निगेटिव के बाद बींग लगेगा, बींग के बाद अब्यूजिंग का भीतरी क्या होता है अब्यूज्ड, ए बी यू एस ई डी, अब्यूज्ड बाय ही, ही में चेंज होगा। आर यू नॉट मिल्किंग द कॉ, मिल्किंग का अर्थ होता है दूध पिलाना, ठीक है, ये भी एक वर्ब ही है। द कॉ यहां पर आएगा तो इज लगेगा, इज द काउ नॉट बींग मिल्कड होता है एम आई एल के ई डी, मिल्कड बाय, अब यू है तो यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्ट स्थान पे। आर यू नॉट बाइंग टिकट्स, अब टिकट्स यहां पर आएगा, आप जानते हैं आर लगा, आर लगेगा ही क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, टिकट्स टिकट नहीं है, आर टिकट्स नॉट बींग बाइंग का भीतरी क्या होता है बाउट, बी ओ यू जी एस टी, बाउट, बाउट बाय यू का तो यू ही रहेगा। वाई आर यू नॉट सेंडिंग अस टू लंदन, अब यहां पर देखिए डब्ल्यू एच फैमिली वाला आ गया, डब्ल्यू एच वाला भी एक हम दे दिए हैं ताकि आप लोग को ध्यान में आ जाए, ज्यादा ये मतलब इसमें दिक्कत नहीं है आपका, सिर्फ डब्ल्यू एच वाला हमेशा ई जे एम आर के पहले बस लगाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, बाकी जो जैसे चेंज होता है सेम टू सेम करना है। तो इसमें भी यहां पर है डब्ल्यू एच तो पहले आपको वाई ही लगा देना है, वाई है तो वाई ही लगा दिए, उसके बाद यहां पर समझना है, आप बताइए इसमें क्या आना चाहिए, आप लोग सोच के बताइए भले। वाई आर यू नॉट सेंडिंग अस टू लंदन, लंदन आना चाहिए या अस आना चाहिए, ये आना चाहिए यहां, आप जानते हैं ये वी का ऑब्जेक्ट रूप है अस, है कि नहीं है, तो ये अस को यहां पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, पहले क्या लगेगा आर, आर वी नॉट बींग सेंडिंग का भीतरी क्या होता है सेंट, एस ई एन टी सेंट। अब यहां पर है किनके द्वारा, तो बाय यू कहां भेजा जा रहा है टू लंदन, ओके। आर दे नॉट प्रेजिंग हर, तो यहां पर हर यहां आएगा तो बताइए क्या लगेगा, सी, इज सी नॉट बींग प्रेज का क्या होता है भीतरी बताइए, प्रेज्ड, पी आर ए, पी आर ए आई एस एच ई डी, प्रेज्ड, एच नहीं होगा एस ई डी होगा खाली, प्रेज्ड बाय दे का होगा यहां पर देन, खत्म हो गया, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस खत्म हो गया, द एंड हो गया कंटिन्यूअस का। अब इनके बाद हम लोग को चलना है परफेक्ट का, परफेक्ट का अफर्मेटिव आप लोग देख लीजिए, परफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट से ज्यादा पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जितना भी है फोन दीजिएगा, पांच मिनट फोन दीजिएगा, पांच मिनट बस। चलिए आप लोग लिख लिए इसको मिटाएं,
डेस्टर था यहाँ, कल नया लाए थे, कहाँ चला गया? लगता है गिफ्ट देने वाला है, फिर से वापस लेके चला गया। चलिए देखिए, आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा परफेक्ट होता क्या है। आप लोग देखिए, सबसे पहले इंडिफिनिट देखें। इंडिफिनिट का अर्थ था कि जो डिफाइन ना हो, जिसको हम ना बता पाए कि वो कब हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको हम किस चीज में रखते थे? इंडिफिनिट में। कंटिन्यूअस का अर्थ है कि कोई काम कंटिन्यू दर्शा रही है, जो प्रेजेंट में काम हो रहा होगा, दिखा रहा होगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जा रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, ये सब जितना भी है इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। यानी जितना भी प्रेजेंट में वर्क हो रहा है, यानी काम प्रोग्रेस में है, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट क्या कहता है? देखिए ध्यान समझिएगा, एकदम तुरंत याद हो जाएगा, ये सब ज्यादा तामझाम वाला चीज नहीं है। जो काम डिफाइन ना हो उसको इंडिफिनिट कहते हैं, जिसमें हमको समय पता ना चले कब हो रहा है, जिसमें हमको पता ना चले क्या कर रहा है, वो इंडिफिनिट होता है। उसके बाद जो काम हो रहा है, यानी काम प्रोग्रेस में चल रहा है प्रेजेंट में, वो किस में जाएगा? कंटिन्यूअस में। जैसे ही क्या कंटिन्यूअस में अगर है, काम कर रहा है, तो क्या करते ही रहेगा? करते रहेगा, क्या कंप्लीट भी होगा। यानी जैसे वो कंप्लीट हो गया तो वो किस में चला जाएगा? वो परफेक्ट में हो गया। यानी जो काम हो गया, खत्म हो गया, वो परफेक्ट कहलाता है, होता है ना। यानी हम होमवर्क कर चुके हैं, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं, हम सो चुके हैं, हम खा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेट चुके हैं, ये सब जितना भी है वो परफेक्ट में जाता है। एक बार ध्यान में रखिएगा, परफेक्ट का अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है अफर्मेटिव में, तो किनको किनको याद है बताइए? तो किन्हीं को भी, हाँ, सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट दर्शाने के लिए ध्यान में रखिएगा, हैज का और हैव का यूज करते हैं, और हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसी को अगर हमको पैसिव में चेंज करना है, तो आप जानते हैं यही ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा। ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है? हैज, हैज या हैव तो है, यह ध्यान में रखिएगा। इंडिफिनिट ऐसा चीज है जिसके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जानते हैं ना। इंडिफिनिट ऐसा चीज है जिसमें डायरेक्टली वर्ब यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। उसमें हमको अगर नेगेटिव सेंस लगाना होता है, तो हमको जबरदस्ती कोई ना कोई एक क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ता है, जिसमें हम लोग डू और डज को लाते हैं, लाते हैं कि नहीं? याद रखिएगा, जब हैज और हैव आ जाएगा, तब आपको पैसिव में बीन जोड़ना है एक एक्स्ट्रा, ठीक है, बीन जोड़ना है। क्यों जोड़ना पड़ेगा? आप जानते हैं अगर हैज दोनों में सेमी रहेगा तो बात क्या हो जाएगा, अलग पता नहीं चलेगा। तो इसमें पैसिव में चेंज करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज आता है बीन। बीन के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए इसमें हैय है, इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय सब्जेक्ट वहां से यहां आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया? समझ गया ना इसका मतलब पैसिव में कैसे बनेगा? पैसिव में आपको सिर्फ क्या करना है, जो इसका ऑब्जेक्ट है बाहर लाना है, जब तो है जब ही रहेगा, उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा बीन जोड़ना है। बीन के बाद बी3 इसमें भी है, इसमें भी थर्ड ही फॉर्म लगेगा, ठीक है। उसके बाद बाय लगाना है, जो सब्जेक्ट इसका है वहां लाना है, हो गया खत्म। एग्जाम्पल लिखे फटाफट। दो मिनट के लिए रोक दीजिए सर, तब तक लिख रहे हैं। बज गया, एक बज गया। चलो देखिए, परफेक्ट में आपका जानते हैं यहां पर ये परफेक्ट में लिखा हुआ है। अब मेन आपको दिक्कत आएगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा लाया जाए, ठीक है। आप जानते हैं कि ये वर्ब है, वर्ब के बाद तो कुछ भी आ गया, ये सारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में आपको लाना कौन सा बताइए? द टेलर ऑफ द मूवी, या फिर द टेलर, या फिर द मूवी, क्या लाना है? द मूवी लाना पड़ेगा हमको।
आप देखिए द मूवी आप ऐसे भी नहीं सोच सकते थे, क्यों नहीं सोच सकते थे, हम आपको बताए थे, देखिए हम आपको बताए थे कि वर्ब के तुरंत बाद जो आएगा आपको वही लेना है, ठीक है, वर्ब के तुरंत बाद। लेकिन हम बोले थे अगर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है तो सब आएगा, ये नहीं बोले थे। तो अब आपको सोचना है कि जुड़ा हुआ है या नहीं है। हम बोले थे कि जब भी ऑफ से कनेक्ट होता है तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, आप अलग नहीं कर सकते दोनों को, अलग करेंगे तो मीनिंग इसका अर्थ सब चीज डिफरेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सब मिला हुआ है तो द टेलर एक ही साथ आ जाएगा, द टेलर ऑफ टीई होता है ऑफ द मूवी, ऑफ द मूवी। अब यहां ध्यान देना है कि जैसे यू यूज कर लिए, अब बताइए हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैज लगना चाहिए। आपको ये सिंगुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी सिंगुलर दिख रहा है। अब बोलेगा सर दो ठो नाउन आ गया, याद रखिएगा कि ऑफ जब कनेक्ट होता है तो सामने वाले नहीं बगल वाला के क्या बोलते हैं सब बगल वाला वर्ड के अनुसार लगता है जो यहां पर लिखा हुआ है। मूवी है, मूवी क्या आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप यहां पर क्या लगाइएगा, हैज। हैज के साथ साथ आपको क्या लगाना है, बीन। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां आप दिखिए रहा है कि लॉन्च टू का लॉन्च रही है, थर्ड फॉर्म ये है एल ए यू एन सी एच ई डी लॉन्च्ड हो गया बाय किन के द्वारा, देम, बाय देम। मंगेश हैज बाउट अ कार रिसेंटली, ठीक है, मंगेश लिखा हुआ है, देखिए बाउट हो गया यहां पर आपका वर्ब। अब आपको यहां दिख रहा है ए कार रिसेंटली, आप बताइए क्या लेना चाहिए, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लेना चाहिए, रिसेंटली कार तो था अभी अभी, ठीक है ना, कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले ही खरीदा है, ठीक है। अकार, अब बताइए अकार लेंगे रिसेंटली लेंगे या फिर तीनों को एक शब्द ले लें, तीनों एक शब्द लेना चाहिए, गलत है, एक कार लेना है सिर्फ हमको, एक कार ही लेना पड़ेगा, तीनों नहीं ले सकते आप, ठीक है। रिसेंटली ये जुड़ा हुआ नहीं है एक दूसरे से, अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अकार हैज बीन, वेरो का थर्ड फॉर्म लगेगा बाउट का, बाउट ही है बी ओ यू जी एस टी बाउट बाय मंगेश एम ए एन जी मंगेश। अब रिसेंटली को लास्ट में लगाइए, कभी कभी आपको रिसेंटली या जो भी ये बाद वाला है आपको बाय के बाद ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी बाय के पहले भी मिलता है, ध्यान में रखिएगा दोनों सही है, गलत नहीं होता है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू बुक पोर्टल, न्यू जॉब पोर्टल है, जॉब पोर्टल है। तो अब यहां पर आप बताइए कैसे होगा, क्या लिया जाए, आपको ये दिख रहा है वर्ब है, वर्ब के बाद यहां से लेकर यहां तक आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें अ न्यू लिया जाए, जॉब लिया जाए, पोर्टल लिया जाए या सबको लिया जाए, बताइए अ न्यू जॉब लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं, अब बताइए ये क्या ये एक सबसे जुड़ा हुआ है या नहीं है। ये जैसे आप फॉर्म भरते हैं, कोई नया फॉर्म निकलता है ना, उसका एक पोर्टल लॉन्च किया जाता है जिसपे आप फॉर्म मतलब फिल करते हैं, भरते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पता होना चाहिए सभी एक ही साथ मिला हुआ है। हम बोले एक नया जॉब का पोर्टल खुला है, यानी खोला है गवर्नमेंट, जिसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सारा एक ही साथ में मिला हुआ है, एक ही साथ में आएगा, अन्यू जॉब पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड एल ए यू एन सी एच ई डी लॉन्च्ड। अब एक चीज आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, चाहे इसको बिठा लीजिए, अब बताइए जॉब का पोर्टल कौन लॉन्च करते, गवर्नमेंट ही देगा, सरकारी देगा ना, कोई आम आदमी या तो दूसरा कोई देगा नहीं। तो ये बाय द गवर्नमेंट आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, समझ गए, उसका सेंस डायरेक्टली आ जाता है जहां गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया होगा, आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बता रहे हैं बाय द गवर्नमेंट आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ज्यादातर ये नहीं मिलता है आपको, एग्जामिनेशन हॉल में भी ये आपको नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली इतना बना करके दे दिया जाएगा पेसिंग और बोलेगा एक्टिव में चेंज करना है, तो आपको खुद खुद समझना है कि जॉब पोर्टल लॉन्च करने वाला ही गवर्नमेंट है, ठीक है, दूसरा कोई नहीं लॉन्च करेगा इस चीज को, तो इसलिए यहां पर बाय द गवर्नमेंट आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। दे हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू, ठीक है, तो अब यहां पर क्लियर इधर सिंपल सी है, द इंटरव्यू तो आएगा ही सीधा, द इंटरव्यू हैज बीन क्लियर्ड सी एल ई ए आर ई डी क्लियर्ड बाय किनके द्वारा, दे के द्वारा, यहां देम हो जाएगा, बाय देम। लास्ट है माई फादर हैज
हेल्प द अलॉट ऑफ पीपल, आप जानते हैं हेल्प आपका यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब के बाद अलॉट ऑफ पीपल, बताइए किसमें क्या यूज किया जाए, अलॉट किया जाए या ऑफ पीपल किया जाए या सभी किया जाए? देखिए ऑफ से हम बोले ऑफ कब आता है, ऑफ क्या करता है, दो नाउन को आपस में जोड़ता है, ठीक है, जब दोनों नाउन जुड़ा हुआ है दोनों अलग नहीं कर सकते हम, दोनों साथ में मिलाना पड़ेगा, यहां पर हो जाएगा अलॉट ऑफ पीपल हैज बीन हेल्प्ड बाय माई फादर बाय माई फादर, ठीक है, कंप्लीट है आज आपके लिए इतना ही। सर, आज वाला क्वेश्चन कौन सा?